70 से 80 एकड़ के महल में रहने वाले सुब्रतो रॉय आज जेल की छोटी सी कोठरी में डाल दिए गए हैं। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, लेकिन 30 साल की उम्र आते आते इन्होंने सहारा को कई सौ करोड़ की कंपनी बना दी। हर भारतीय से एक एक रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके बहुत बड़ा रिटर्न देने का वादा किया। देखते ही देखते सहारा भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बन गई। इन्वेस्ट किए गए पैसे को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इन सब की खबर जब RBI और SEBI को पड़ी तो उन्होंने इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया और पता चला सबसे ज्यादा नॉन बैंकिंग डिपॉजिट स्कीम चल रही है। कोर्ट में SEBI ने किया फाइल सबमिट और 2014 में सुब्रतो रॉय गए जेल।